हाथों में भगवा गमछा, गमछे को हवा में लहराए। संजय राउत के इस तेवर से साफ है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, या ऐसे तेवर तो तब देखने को मिलते हैं जब कोई बड़ा तगमा जीत कर आता है। पादरा जॉल भूमि घोटाला मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि शिवसेना को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संजय राउत झुकेगा नहीं और ना ही शिवसेना छोड़ेगा। ईडी ने रविवार को तकरीबन 9 घंटे तक छापेमारी के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया। ईडी की तरफ से संजय राउत को 27 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संसद सत्र का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए। ईडी की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत ने मीडिया से कहा, जिस प्रकार झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे सबूत, लोगों को मार पीट कर बनाए जा रहे हैं केवल महाराष्ट्र और शिवसेना को वो कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना और महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। संजय राउत झुकेगा नहीं और ना ही शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है, आप उस व्यक्ति को हरा नहीं सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। ईडी के अधिकारी केंद्र अज्ञात सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ रविवार सुबह 7 बजे राउत के भांडुप उपनगर स्थित आवास मैत्री पर पहुंचे और छापेमारी शुरू की। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी क्या संजय राउत के यही तेवर रहते हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।